से सीधे हाथ की तरफ जो पतंग है वो नीचे से है और ऊपर वाली पतंग कैमरे से उल्टे हाथ की तरफ है। पेंच मुलाजा फरमाइए, देखें कौन किसको काटता है। बहुत अंदर आते ही, ज़्यादा अंदर नहीं आए हुए पेंच, देखा जाए इस तरीके से। और ये रोक के रोक के रोक लें, खड़ गए भाई, रुका ही नहीं अपोनेंट, तो ऐसे ही अंदर उतरा है, काम उतारता हुआ उतरा है अंदर। ये तीन पेंच हो गया। Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Now, एक और पेज में आधा फरमाइए, हमारे फैजान भाई लड़ा रहे हैं। गालिबन फैजान भाई या ज़ुएब भाई, इनका नाम मैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर जाता हूँ दोनों में। तो नीचे से जो है वो मैं कैमरे से उल्टे हाथ की तरफ पतंग उड़ रही है, और जो ऊपर से है वो कैमरे से सीधे हाथ की तरफ पतंग उड़ रही है। पेंच मुलाजा फरमाइए, पेंच में देखें कौन किसको काटता है। ये तीन पेंच बनता हुआ है। खींचते हुए गए और उन्होंने सीधा गद्दा मारा, पर उन्होंने पतंग रोकी और अपनी बेहतरीन पैंतरा दिया और काट दिया पेंच। नाज़िम ने एक और पेंच मुलाहिज़ा फरमाइए, नीचे वाली पतंग इस दफ़ा फिर हमारे कैमरे के सीधे हाथ की तरफ से, ऊपर वाली पतंग कैमरे से उल्टे हाथ की तरफ। ये जो पेंच हो रहे हैं ये तकरीबन 700 गज पे हो रहे हैं। और पतंग देखें आप, पेंच मुलाहिज़ा फरमाइए, लगातार तीन पेंच काटती हुई आ रही है नीचे वाली जो पतंग है। इस बार देखें कौन किसको काटेगा। मुंह दबाया और ये बार अंदर मारी है, और बेहतरीन अंदर आड़ी मार के लेके गया है वो अपोनेंट, और खींचता हुआ लेके गया, बेहतरीन पेंच हुआ है, बेहतरीन। चढ़ गए उस्ताद, क्या गलती हुई थी और क्या फ़ायदा उसके को, मैंने रोक दी और बाहर खींचनी थी और आपने थोड़ा सा आप लेट होगा, और इसी बात का अपोनेंट फायदा उठाते हुए काट के चले गए। हमारे फैजान भाई अब पतंग लड़ाएंगे, बेहतरीन पतंगबाजी कर रहे हैं फैजान भाई आज हमारे। नाज़रीन ने एक और पेज मुलाहिज़ा फरमाइए, जो नीचे वाली पतंग है वो कैमरे से उल्टे हाथ की सीधे हाथ की तरफ है, और ऊपर वाली पतंग कैमरे से उल्टे हाथ की तरफ है। मुलाहिज़ा फरमाइए, पेज चेंज करवा दिया गया है। नीचे आइए, नीचे जो अपोनेंट है उसको बोला गया आप नीचे से आइए, पहले उनको ऊपर से बुला दे। अपोनेंट की जो पतंग है वो पौना पतंग है, और जो यहाँ से सुभान भाई उड़ा रहे हैं, सुभान भाई कलीदार, बड़ी भारी भरकम पतंग लेके खड़े हुए हैं। पेंच चेंज करवा दिया गया है, अब जो अपोनेंट है वो नीचे से आएगा। पतंग की दूरी तकरीबन 600-700 गज पे लड़ रही है पतंगें, बेहतरीन अंदर आ गए अपोनेंट। तुम्हारा पतंग भारी है, बस ध्यान रखना ही है, भाई तुम समझो पतंग बहुत कम है। हमारे फैजान भी इंस्ट्रक्शन देते हुए देखे, अपोनेंट ने हटा ली पतंग। अगर वो थोड़ा और रुकता सब रख दे, ये टाइट होता तो कट जाती। ये सही है, पतंगें आते रहेंगी ना अभी। दोबारा जो बच्चा है ना, वो जिसको मैंने भेजा है, बहुत जबरदस्त बच्चा। दोबारा पतंग जुम्मे वाले दिन जो पतंग लूट के इसने मुझे सारी दी है। फिर दोबारा पेंच अंदर आ गया, मैंने तो लुटेरा किसी और को भेजा था। ये छोड़ो सर, कोई नहीं है। अच्छा, पर इसकी मेरी बात हुई है, फरीद नहीं था, फरीद का एक साथी था। अच्छा, नहीं वो बोले मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ। ये अंदर दबाया,
ये बाहर के इस तरह गया पुनर्ड और बहुत ज़बरदस्त कार आते हुए खींच के काट के गए। सुबह में ही लगातार हमारे चैंपियन खड़े हैं, लगातार मैच अच्छे आ रहे हैं। ये चैंपियन आने वाले वक्तों के उस्ताद हैं हमारे। No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you. नीचे वाली पतंग हमारे सुभान भाई की, जो कैमरे से सीधे आपकी तरफ खड़े हुए हैं, और हमारा अपोनेंट जो कैमरे से उल्टे आपकी तरफ खड़ा हुआ है। पतंग की दूरी तकरीबन 700-750 गज पे है, और दोनों पतंगें बट्टी कम लड़ रही हैं। साइज़ में बड़ी पतंगें हैं, देखें इसमें कौन किसको काटेगा। बेहतरीन, और ये खींचा, और इस दफ़ा हमारे सुभान भाई कट गए। उन्होंने थोड़ा सा मुंह की तरफ रख के अपना हाथ से खींचा, इस वजह से मुझे लगता है कि वो कट गए। उनकी पतंग थोड़ी सी और बड़ी भी होती तो काट देते। No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got... हमारे फैजान में जा रहे हैं पेड़ चढ़ाते हुए, सुभान भाई कट गए। हमारे जुएब भाई ने दोबारा नीचे से पेंच लेने के लिए किया है, लगातार दो पेंच काटते हुए आ रहे हैं। ऊपर से अपोनेंट को बुलाया है। जो नीचे वाली पतंग है वो कैमरे से सीधे हाथ की तरफ है, ऊपर वाली पतंग कैमरे से उल्टे हाथ की तरफ है। पतंगों की जो इस दफ़ा लंबाई, अरे बेहतरीन यार, अभी कमेंट्री पूरी हो ही रही थी, ये खींचते हुए ले गए, क्या मजाक हुआ है। ये तो पेंच चैम्पियन जुएब भाई, वाह भाई जुएब भाई वाह, क्या पेंच काटा आप, क्या गलती करी थी अपोनेंट ने, आपने रोक के जो 15 दिया, बेहतरीन काटिए। ये हमारे चैंपियन है भाई। ये सामान आप देख लें, आज अभी सामान पूरा आया नहीं है, जैसे सामान आता है आपको दिखाते हैं, और आज आपको सामान भी दिखाएंगे, पतंगे भी कैसे लड़ रही हैं वो भी दिखाएंगे, पेंच के दाव भी बताएंगे। No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got... नाज़रीन एक और पेंच मुलाहिज़ा फरमाइए। हमारे आलम भाई पेंच लड़ा रहे, ऊपर से पेंच ले रहे हैं आलम भाई हमारे, और अपोनेंट ने नीचे से पेंच लिया हुआ है। ये अंदर पार खींचते हुए गए, और अपोनेंट ने रोक के बहुत अच्छा पैंतरा दिया, अगर अपोनेंट रुकता नहीं तो ये काट देते पेंच। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, आलम भाई ने पहला पेंच चढ़ाया और हमारे आलम भाई चढ़े। No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. और पेज मुलाहिज़ा फरमाइए, बैक टू बैक है पेज दिखा रहे हैं आपको। ये पेज हमारे फैजान भाई का है, ऊपर से पेज ले रहे हैं फैजान भाई कैमरे से सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए, और जो अपोनेंट है वो कैमरे से उल्टे हाथ की तरफ खड़ा हुआ है, नीचे से पेज ले रहा है अपोनेंट। और ये पेज देखें आए अंदर की तरफ, बाहर की तरफ खींचा है अपोनेंट ने, बाहर खींच के बहुत अच्छा पेज लेता हुआ गया, बहुत अच्छा पेज काटा, मौका नहीं मिला इस दफ़ा कोई 15 देने का। नाज़रीन आज के दिन इतनी पतंगबाजी हो रही है, दो टीमें वो वहाँ खड़ी हैं, यहाँ पे पेंच अलग हो रहे हैं, यहाँ पे एक टीम यहाँ खड़ी हुई, एक टीम वो उधर खड़ी हुई, पतंगे पतंगे कौन किससे लड़ा रहा है, थोड़ा मसला हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं अभी आगे क्या चल रहा है। ये देखें हमारे चाचा मियाँ का पेंच, चाचा मियाँ हमारे ऊपर से, और इस दफा हमारे
चाचा भाई फिर कट गए, पतंग अगली ख़राब हो गई, फट गई और वो गुलाई के अंदर पतंग खींचती हुई चली गई। नाज़रीन एक और पेज को लाजा फरमाइए, नीचे वाली पतंग कैमरे से सीधे आपकी तरफ हमारा सुभान पेज ले रहे हैं। पेज की दूरी तकरीबन 650-650 गज पे, ऊपर वाली पतंग हमारे अपोनेंट की कैमरे से उल्टे हाथ की तरफ से उड़ रही है। देखें इस पेज में कौन किसको काटता है। सुभान भाई हमारे लगातार दो पेज अभी लेते हुए आ रहे हैं, देखें पेज बन गया। और ये पार्थी गेज के सुभान भाई अगर रुक जाते तो काट देते, इस दफ़ा कट गए हमारे सुभान भाई। हमारे आलम भाई पेंच लेते हुए नीचे से पेंच ले रहे हैं, अपोनेंट हमारे ऊपर से कैमरे के उल्टे हाथ की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से कैमरे के हमारे नीचे से पतंग लेते हैं आलम भाई। ये पेंच बना बिल्डिंग में पतंग, और ये आलम भाई बाहर खींचते हुए आए और ये पतंग रोक की और ये फंसा दिए। अपोनेंट कट जाएगा अगर चक्कर नहीं मिले अपोनेंट को, हट गए पेंच। और ये गलती हुई, मुंह की तरफ से खींचते हुए बाहर आए, ये गलती कर दी आलम भाई, गलती कर दी मुंह की तरफ से खींचते। बारी के इंतज़ार करेंगे जब तक पतंग लंबी कर रहे हैं, अपनी अपनी पतंगें तैयार करते हुए हमारे चाचा चले गए पतंग के अभी लेने के लिए। अभी वो पतंग लंबी करके फिर आपको दिखाते हैं। ये जी सुभान भाई कैसी चल रही है पतंग वाली आपकी? बेहतरीन पट्टी का माच पतंग उड़ रही है और ये हमारे सुभान में लेजेंड पतंग बाजी को आप दिखाते हुए, ये देखिए इनकी पतंग। तो और इंतज़ार कर रहे हैं अभी हमारे सुभान भाई का फोन, इनकी पतंग आए और फिर हमारा पेंच बने। फंस गई भाई चील फंस गई। भाई ये बड़ा नुकसान है बस पतंगबाजी में, चील ना फंसे, कोई परिंदा ना फंसे डोर में। बड़ा अफसोस होता है जब कुछ ऐसा होता है। बेचारी अभी तो उसका पर बाजू फंसा था, खुदा ना खास्ता गर्दन वर्दन फंस जाती है तो भाई इस वजह से हम आते हैं कि ग्राउंड के अंदर पतंगबाजी करें, छतों से ना पतंगबाजी करें। और पेंच मुलाजा फरमाइए, बहुत लंबी उसके ऊपर पेंच हो रहा है, तकरीबन 1200-1000 गज के ऊपर ये केच आ रही है। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। आलम भाई ने बहुत बेहतरीन पेंच लिया है, ये केच के लिए अभी तीन पेंच काटा आलम भाई, बेहतरीन पेंच। एक और पेंच मुलाजा फरमाइए नाज़रीन, हमारे नफीस भाई पेंच लेते हुए कैमरे के सीधे हाथ पे खड़े हुए हैं और नीचे से पेंच ले रहे हैं।
अपोनेंट हमारा ऊपर से लगातार पेंच काटते हुए आ रहा है। दोनों ने खींच लगा दी एक दूसरे की, और इस बार नफीस भाई आपको लगा के कट गया वो, और यही गलती हुई के डोर लगी और नफीस भाई गए। अपोनेंट ने ऐसा लच्छा छोड़ा चलाकी के साथ कि नफीस भाई को लगा के कट गया वो, पर ये उसकी चाल थी और नफीस भाई कट गए। एक और पेज मिला था, फरमाइए। हमारे जुएब भाई पेज लेते हुए भाई बेहतरीन पेंच बनाते हुए, और ये बड़ा बेहतरीन पेंच काटता हुआ लेके गए हैं। टूटी है मुझे लगता है, कटी नहीं है, पहले टूटी फिर वो खींचता हुआ लेके गया, और अपोनेंट भी टूट गया खींच के। उनको लगा कि पतंग कट गई है, पर वो डोर लग के उसकी भी अपोनेंट की भी टूट गई, कट गई। देखो भाई गलत टाइम पर आपकी पतंग टूटी, बेचारे अपोनेंट की भी कट गई। जैसे पतंग उड़ाने तो आज आए नहीं थे, पर ये हमारे सुभान भाई और जेब भाई की हमारी मोहब्बत है, उन्होंने पतंग पकड़ा दी है, बोलने लड़ाओ। आए तो हम आज सिर्फ ब्लॉग के लिए थे, अब हम लड़ा रहे हाजिरीन। एक और पेज मुलाहिज़ा फरमाइए, हमारे नफीस भाई पेज लेते हुए, उम्र से आप अंदाज़ा लगा ले, उस्ताद हैं हमारे, ये तीन पेज चढ़ाते। पिछली मरतबा अपोनेंट की पतंग फट गई थी तो ये चक्कर खा के ले वो डोलक की कट गई थी। अभी नफीस भाई कैमरे से सीधे हाथ की तरफ नीचे से पतंग पेंच लेते हुए, और हमारा अपोनेंट कैमरे के उल्टे हाथ की तरफ से ऊपर से पतंग लेते हुए, देखें पेंच मिलादा फरमाइए कौन किसको काटता है। बहुत हवा में आ गए पेंच, और ये हमारे नफीस भाई खींचते हुए जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और ये रोक दिए अपोनेंट ने भी, रोक के अच्छा कर दिया, पेंच फंस गया। अब दाव देखते हैं किसका जाता है, पेंच फंसा हुआ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, देखते हैं जिसके चक्कर गए। अरे है नफीस भाई गलत आपने खींच दी, चक्कर चेंज होने पे काट दिया था, पर खींच के गलत कर दिया, बांधा हुआ मैंने नफीस भाई चक्कर लेके फिर कट गया हमारे।